नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी पाठक और आप देख रहे हैं सब्त सिंधु। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बंगले अर्थात एक औरंगजेब रोड पर काफ़ी हलचल शुरू हो गई है। सरदार पटेल वैसे भी सुबह जल्दी सोकर उठते हैं और उनका दिन जल्दी शुरू हो जाता है। बंगले में रहने वाले सभी लोगों को इसकी आदत हो गई है, इसलिए जब सुबह सवेरे जोधपुर के महाराज की आलिशान चमकदार गाड़ी पॉर्च में आकर खड़ी हुई, तब वहाँ के कर्मचारियों के लिए ये एक साधारण सी बात थी। जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। राजपुताना की सबसे बड़ी रियासत जिसका इतिहास बहुत पीछे यानी सन 1250 तक जाता है। 25 लाख जनसंख्या वाली ये विशाल रियासत 36,000 स्क्वायर मील में फैली हुई है। पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद अली जिन्ना इस रियासत को पाकिस्तान में विलीन कराने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वीके मेनन ने ये सारी जानकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी, इसलिए सरदार जी ने जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह को अपने घर आमंत्रित किया है। सरदार पटेल हनुमंत सिंह को साथ लेकर अपने विशाल और शानदार दीवान खाने में आए। आरंभिक औपचारिक बातचीत के बाद सरदार पटेल सीधे मूल विषय पर आए और कहने लगे, मैंने सुना है कि लॉर्ड माउंटबेटन से आपकी भेंट हुई थी, क्या चर्चा हुई? जी सरदार साहब, भेंट तो हुई लेकिन कोई खास चर्चा नहीं हुई है, परंतु मैंने तो सुना है कि आपकी भेंट जिन्ना से भी हुई है और आपने ये निर्णय लिया है कि आपकी रियासत स्वतंत्र रहेगी। हनुमंत सिंह झेपते हुए, हाँ आपने एकदम सही सुना है सरदार पटेल, यदि आपको स्वतंत्र रहना है तो रह सकते हैं, परंतु आपके इस निर्णय के बाद यदि जोधपुर रियासत में कोई विद्रोह हुआ तो भारत सरकार से आप किसी सहायता की उम्मीद ना रखें। परंतु जिन्ना साहब ने हमें बहुत सी सुविधाएं और आश्वासन दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वे जोधपुर को कराची से रेल मार्ग द्वारा जोड़ देंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी रियासत का व्यापार ठप पड़ जाएगा। हम आपके जोधपुर को कच्छ से जोड़ देंगे, आपकी रियासत के व्यापार पर कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हनुमंत जी, एक बात और है कि आपके पिताजी यानी उमेश सिंह जी मेरे अच्छे मित्रों में से एक थे, उन्होंने मुझे आपकी देखभाल का जिम्मा सौंपा हुआ है। यदि आप सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं तो आपको अनुशासन मिलाने के लिए मुझे आपके पिता की भूमिका निभानी पड़ेगी। सरदार पटेल साहब, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं कल ही जोधपुर जाकर भारत देश के साथ विलीनीकरण के करार पर अपने हस्ताक्षर करता हूँ। संभव है रविवार होने के कारण कलकत्ता के सोडेपुर आश्रम में गांधी जी की सुबह प्रार्थना में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी थी। गांधी जी ने सदा ही भांति अपनी शैली में प्रार्थना और सूत कताई की और अब वे लोगों को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। गांधी जी अक्सर बैठे बैठे ही संवाद स्थापित करते हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं नोआखाली जाने के लिए निकलने ही वाला था, परंतु मेरा वह पूर्ण नियोजित दौरा मैंने कुछ दिनों के लिए आगे टाल दिया है, क्योंकि कलकत्ता के अनेक मुस्लिम मित्रों ने मुझसे ऐसा करने की विनती की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैं नोआखाली गया और यहाँ कलकत्ता में कोई अप्रिय घटना हुई तो समझिए कि मेरा जीवन जीने का प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा। धीमे स्वरों में वे आगे बोलते रहे, मुझे ये सुनकर बेहद दुख हुआ है कि कलकत्ता के अनेक भागों में मुस्लिम बंधु जा नहीं सकते और कई भागों में हिंदू लोग नहीं जा सकते। मैं स्वयं इन सभी क्षेत्रों में जाकर देखने वाला हूँ कि क्या स्थिति है। इस शहर में केवल 23% मुसलमान हैं और ये 23% लोग किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि आगामी कांग्रेस शासन की आड़ लेकर कुछ हिंदू पुलिस वाले मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। यदि पुलिस बल में भी ऐसी ही जातीय भावना घर कर गई है तो भारत का भविष्य निश्चित ही अंधकारमय हो जाएगा। प्रार्थना के लिए एकत्रित लोगों में हिंदुओं की संख्या ही अधिक है। उन्हें गांधी जी द्वारा दिया गया भाषण बिल्कुल पसंद नहीं आया है। यदि केवल 23% मुसलमान पिछले वर्ष डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हजारों हिंदुओं का खून बहा सकते हैं, तो यदि वे बहुमत में आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? यही प्रश्न वे सभी लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद गांधी जी ने उनका नियमित हल्का नाश्ता यानी एक कप बकरी का दूध और थोड़ा सा सूखा मेवा और खजूर ग्रहण किया और वे अंदर के कमरे में आए। यहाँ वे कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। धीरे धीरे सारे मंत्री वहाँ इकट्ठा होने लगे।
अगले 15 मिनट में ही भावी मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष और उनके आवश्यक सहयोगी भी आ गए। गांधी जी अपने हमेशा वाली धीमी बोलने वाली शैली में इन सभी मंत्रियों को समझाने लगे। उन्होंने कहा, सोहरावर्दी के शासनकाल में भले ही हिंदुओं पर थोड़े बहुत अत्याचार हुए हों, हो सकता है कि कुछ मुस्लिम पुलिस वालों ने भी हिंदुओं से अच्छा बर्ताव नहीं किया हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करने लग जाएं। कलकत्ता का एक एक मुसलमान सुरक्षित रहना चाहिए, इसकी चिंता आप सभी को करनी है। उधर दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा के भवन में चल रही अखिल भारतीय हिंदू संसद का आज दूसरा दिन है। अखंड हिंदुस्तान से इस परिषद के लिए आए हुए सभी प्रतिनिधियों के मन में विभाजन के प्रति गहरा क्रोध है, आक्रोश है। उनके मन में विस्थापित होने वाले एवं मारे जा रहे हिंदुओं सिखों के लिए वेदना है। आज इस सभा में प्रस्ताव का दिन है। बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी। बंगाल से आए हुए न्यायमूर्ति निर्मल चंद्र चटर्जी बहुत ही बढ़िया बोले। उन्होंने कहा कि 3 जून को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करके कांग्रेस ने ना केवल बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की पीठ में छुरा भी घोंपा है। भारत का विभाजन स्वीकार करने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की गुंडागर्दी के सामने पराजय स्वीकार कर ली है। इस परिषद में सुबह के सत्र में सबसे अंत में बोलने वाले थे वीर सावरकर। उन्होंने अपने शानदार व्यक्तित्व एवं तर्कशुद्ध मुद्दों के साथ सभी प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सावरकर ने कहा कि अब सरकारों से कोई निवेदन अथवा अनुरोध नहीं करना है, अब हमें सीधे प्रत्यक्ष रूप में कृति करनी चाहिए। सभी दलों के हिंदू अपने हिंदुस्तान को अखंड बनाने के लिए अपने अपने कामों में लग जाएं। नेहरू जी ने तो डरपोक तर्क दिया कि खून खराबा टालने के लिए हमने पाकिस्तान के निर्माण की मान्यता दी है, ये केवल धोखेबाजी है, क्योंकि विभाजन मंजूर होने के बाद भी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का रक्तपात बंद तो हुआ नहीं, बल्कि ऊपर से देश के और भी टुकड़े करने की मांग कर रहे हैं। यदि समय रहते इन बातों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इस देश में 14 पाकिस्तान बनने का खतरा है। इस कारण केवल रक्तपात से भयभीत ना होते हुए हमें जैसे को तैसा वाला जवाब देना चाहिए। सभी हिंदुओं को पार्टी भेद भूलकर संगठित होते हुए सामर्थ्यवान बनना चाहिए, ताकि देश का विभाजन नष्ट किया जा सके। इसी सभा में सर्वानुमति से ये मांगे की गई कि इन सभी हिंदुओं को पार्टी भेद से ऊपर उठते हुए अखंड भारत निर्माण के लिए संगठित होना चाहिए। भगवा ध्वज ही राष्ट्र ध्वज होना चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए तथा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देश में जल्दी से जल्दी आम चुनाव भी करवाए जाएं। उधर कराची शहर सिंध प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के उस हॉल में पाकिस्तान की संविधान सभा की पहली संक्षिप्त बैठक शुरू हुई है। वैसे तो आज कोई खास कामकाज नहीं है, मुख्य कार्य जो भी होना है वह तो कल ही होगा, क्योंकि कल कायदे आजम जिन्ना खुद असेंबली को संबोधित करने वाले हैं। ठीक 11 बजे असेंबली का कामकाज आरंभ हुआ और कुल 72 सदस्यों में से 52 सदस्य उपस्थित थे। पश्चिम पंजाब के 2 सिख सदस्यों ने इस असेंबली का बहिष्कार किया हुआ है, तो जाहिर है कि वे भी उपस्थित नहीं हैं। पहली पंक्ति में बैठे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल घोषित किए गए बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। वह जब अपनी सीट से उठकर मंच पर जाने लगे तो सभी सदस्यों ने सम्मान पूर्वक तालियों की गड़गड़ाहट और मेजे थपथपाकर उनका स्वागत किया। जिन्ना ने पाकिस्तान की संसदीय कार्यवाही के रजिस्टर पर सबसे पहले अपने साइन किए और पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने बंगाल के जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम प्रस्तावित किया और वह तत्काल मंजूर भी हो गया। अखंड भारत की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री रहे दलितों के नेता जोगेंद्रनाथ मंडल ही पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पहले अध्यक्ष बने। जोगेंद्रनाथ मंडल 1940 में कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। बंगाल के सोहरावर्दी मंत्रिमंडल में वे मंत्री भी थे। 1940 में हिंदुओं के खिलाफ बंगाल के कुख्यात डायरेक्ट एक्शन डे की भीषण हिंसा के समय मंडल साहब पूरे बंगाल में प्रवास करते हुए दलितों को मुसलमानों के खिलाफ नहीं होने के लिए मनाते रहे। मुस्लिम लीग और जिन्ना ने
जोगेंद्रनाथ मंडल के इस कार्य की सराहना की और उन्हें पुरस्कार स्वरूप असेंबली का अध्यक्ष बनाया। असेंबली की आज की कार्यवाही केवल 1 घंटा 10 मिनट चली। बाहर कोई खास भीड़ नहीं थी और ना ही लोगों में कोई उत्साह दिखाई दिया। रविवार दोपहर का समय, पुरानी दिल्ली के मुस्लिम लीग कार्यालय के बाहर अनेक मुसलमान क्रोध में हैं और आपस में विवाद कर रहे हैं। दिल्ली के मुस्लिम व्यापारियों का आरोप है कि मुस्लिम लीग के नेता हमें मुसीबत में छोड़कर पाकिस्तान भाग रहे हैं। प्रतिदिन निकलने वाली पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन में मुस्लिम लीग का कोई ना कोई नेता पाकिस्तान जा रहा है। इन्हीं नेताओं के विरोध में आक्रोशित मुस्लिम व्यापारियों ने दरियागंज बाजार बंद का आह्वान किया हुआ है। दिल्ली के मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि वे नेतृत्व विहीन हो गए हैं। दिल्ली की म्यूनिसिपल कमेटी ने बैठकों एवं छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए एक सुंदर हॉल का निर्माण किया है। दोपहर के भोजन के बाद नेहरू ने इस नव निर्मित हॉल का निरीक्षण किया। शाम को 17 योग रोड के अपने विशाल बंगले में नेहरू अपने सेक्रेटरी को एक पत्र का डिक्टेशन दे रहे हैं। प्रिय लॉर्ड माउंटबेटन, 9 अगस्त को आपके द्वारा लिखे गए उस पत्र के लिए आभार, जिसमें आपने अगले वर्ष से 15 अगस्त के दिन शासकीय इमारतों पर यूनियन जैक फहराने के संबंध में लिखा है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि आपके सुझाव के अनुसार अगले वर्ष से हम 15 अगस्त को तिरंगे के साथ यूनियन जैक भी फहराएंगे। आपका विश्वास पात्र, जवाहरलाल नेहरू। यानी जिस ध्वज को खत्म करने, नीचे गिराने के लिए अनेक क्रांतिकारियों, अनेक सत्याग्रहियों ने गोलियां खाई, अत्याचार सहे, वही यूनियन जैक स्वतंत्रता दिवस के साथ ही और 12 प्रमुख दिनों में भारत की सभी शासकीय इमारतों पर फहराया जाने वाला है। दोपहर की परछाइयां अब धीरे धीरे लंबी होती जा रही हैं। लाहौर के बारूद खाना नामक इलाके में मुसलमानों की गंभीर हलचल अत्यधिक जोश और उत्साह से जारी है। ये वही इलाका है जहां हिंदुओं और सिखों की दिन दहाड़े भी जाने की हिम्मत नहीं होती। इस इलाके में मियां परिवार का एक छत्र साम्राज्य है। लाहौर के प्रथम नागरिक मेयर का ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में नियमित रूप से एक भटियार खाना चलता रहता है। हिंदू सिख परिवारों को पाकिस्तान से भगाने और उनकी लड़कियां उठाने वाले मुस्लिम गुंडों के लिए यहां दिन भर खाने पीने की व्यवस्था रहती है। आज मियां की हवेली में षड्यंत्र रचा जा रहा है 14 अगस्त के बारे में। एकमत से यह तय होता है कि 14 अगस्त के बाद लाहौर में एक भी हिंदू सिख को नहीं रहने दिया जाएगा। यही योजना इसी संदर्भ में बन रही है। अब केवल अगले 4 दिन ही अखंड रहने वाले इस भारत में शाम की विभिन्न छटाएं देखने को मिल रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में अलवर, हापुड़, लायलपुर, अमृतसर जैसे शहरों से भयंकर दंगों की खबरें लगातार आती जा रही हैं। अनेक हिंदुओं के मकानों पर आग लगाए हुए कपड़े के गोले फेंके जा रहे हैं। अनेक हिंदू बस्तियों में व्यापारियों की दुकानें लूटकर उन्हें खाली कर दिया गया है। लाहौर स्थित जेल रोड पर रहने वाले वीरभान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे पद पर आसीन एकदम जिंदा दिल परोपकारी व्यक्ति, लाहौर शहर की अस्थिर और खतरनाक स्थिति को देखते हुए उन्होंने रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए यह शहर छोड़ने का निर्णय लिया। इस काम के लिए उन्होंने 2 ट्रक बुक किए। अनेक वर्षों तक उनकी सेवा करने वाला और उन्हें भरोसेमंद लगने वाला उनका ड्राइवर मुसलमान ही है। वीरभान ने उसी को ट्रक में भरने के लिए कुछ कुली लाने भेजा। उनका वह कथित भरोसेमंद मुस्लिम ड्राइवर लाहौर के मोझंग इलाके के कुछ मुस्लिम गुंडों को कुली के रूप में ले आया। शाम तक उन सभी ने वीरभान को सारा सामान दोनों ट्रकों में भर लिया। जब वीरभान महोदय कुलियों को पैसा देने के लिए पहुंचे, तो उन सभी ने आपस में मिलकर वीरभान पर आक्रमण कर दिया। चाकुओं के लगातार कई बार किए, अपने पति को तड़पते हुए रक्त में डूबा देखकर उनकी पत्नी को चक्कर आ गए। गुंडों ने उन्हें भी ट्रक में डाला और रात के अंधेरे में दोनों ही ट्रक उनके इच्छित स्थान की तरफ रवाना हो गए। सौभाग्य केवल इतना ही रहा कि वीरभान की दोनों किशोरी लड़कियां ये घटना देखकर पिछले दरवाजे से निकल भागी और सीधे हिंदू बहुल मोहल्ले किशन नगर में ही रुकी, इसलिए वे बच गईं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की पंजाब की राजधानी में एक भरी पूरी बस्ती के बीचों बीच 10 अगस्त की शाम को हत्या और लूटपाट कर दी गई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई।
जिस समय लाहौर में वीरबान रक्त के तालाब में डूबे तड़प रहे थे और वे मुस्लिम गुंडे उनकी पत्नी के साथ ही उनकी पूरी संपत्ति लूट रहे थे, ठीक उसी समय 800 मील दूर कराची में पाकिस्तान के आगामी वजीर आज़म लियाकत अली का वक्तव्य अखबारों के कार्यालयों में पहुंच चुका था। लियाकत अली ने अपने प्रेस नोट में लिखा था कि हम बारंबार आश्वासन देते हैं कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को न केवल संरक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें कायदे कानूनों के अनुसार पूरे अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। हिंदू यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदू लोग इस प्रकार से नहीं सोच रहे हैं। लियाकत अली ने आगे लिखा कि भारत के विविध प्रांतों से जो खबर आ रही है, खासकर पूर्वी पंजाब, पश्चिम बंगाल और संयुक्त प्रांत से, उसके अनुसार हमारे मुस्लिम बंधुओं पर बहुसंख्यक हिंदू जबरदस्त अत्याचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्वयं ही सिंध प्रांत के अपने दौरे में यहाँ के हिंदुओं को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। विभिन्न प्रेस नोट्स के जरिए मेरी जानकारी में आया है कि कृपलानी ने यह धमकी दी है कि सिंध प्रांत के हिंदू कानून अपने हाथों में लेंगे और जो घटनाएं बिहार में हुई हैं वैसी ही सिंध में भी दोहराई जाएंगी। लाहौर का संघ कार्यालय वैसे तो छोटा सा ही है, परंतु आज कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की भीड़ से भरा हुआ है। रविवार 10 अगस्त की रात को 10 बजे ही इस कार्यालय में खासी चहल पहल है। स्वयंसेवकों के चेहरों से साफ दिख रहा है कि वह तनावग्रस्त है। लाहौर के हिंदू और सिखों को सुरक्षित रूप से भारत की तरफ वाले पंजाब कैसे पहुंचाया जाए, इसकी चिंता सभी के मन में है। कार्यालय के बाहर संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की अर्थ प्रतिमा लगी हुई है। पास के मकान से आने वाले बल्ब की पीली रोशनी मूर्ति पर पड़ने से वह चेहरा चमक रहा है। डॉक्टर हेडगेवार की देश में यह पहली मूर्ति है, लेकिन यह मूर्ति गवाह है कि पंजाब प्रांत के स्वयंसेवकों ने पिछले दिनों में हिंदू सिखों को बचाने के लिए किस प्रकार अदम्य साहस, धैर्य, पुरुषार्थ का परिचय दिया है।